नमस्कार दोस्तों, यदि आपका ईपीएफ अकाउंट है लेकिन आप पासवर्ड उसका भूल गए हैं अपने अकाउंट का, तो उस पासवर्ड को पुनः जनरेट कैसे करें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। मैं हेमेश अपने चैनल टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आना ईपीएफ के होम स्क्रीन पर। यहाँ पर लॉग इन पेज रहेगा, इस पे लॉग इन पेज पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको अपना पासवर्ड पुनः जनरेट करना है। जैसे ही यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे, आपसे मांगेगा यूएएन नंबर और नीचे कैप्चा मांगेगा। तो यूएएन नंबर अपना इंटर करके आप कैप्चा जो नीचे दिखाई दे रहा है उसको इंटर करेंगे। कैप्चा यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करके सबमिट करेंगे, देखिए ZR3 यहाँ कैप्चा है, इसको डालकर इंटर जैसे सबमिट आप करेंगे, सबमिट करते ही ये आपका नया पेज खुलेगा और इस नए पेज पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कंफर्म करेगा जिस पे वन टाइम का पासवर्ड भेजेगा। अब यहाँ पर देखिए ओटीपी के लिए कह रहा है, यहाँ यस आपको कर देना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो कर रहा है, यहाँ यस करते ही जैसे ही हम यस को क्लिक करेंगे ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और मैसेज आपको प्राप्त होगा। उसको यहाँ पर फिर इंटर करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका वेरीफाई सक्सेस दिखाएगा। ये देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुल। अब ये वेरीफाई को हम जैसे ही वेरीफाई अपना ओटीपी इंटर करके वेरीफाई क्लिक कर देंगे, ये हमारा देखिए ये भी सक्सेसफुल बताएगा। ये देखिए अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड जनरेट के लिए कह रहा है, न्यू पासवर्ड एक बार डालना है, उसको कन्फर्म कर लिए दोबारा हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं, पासवर्ड बनाकर सबमिट करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि पासवर्ड एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर सबमिट करेंगे, ये देखिए कह रहा है यहाँ पर कि हमारा पासवर्ड उसमें एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और ये पासवर्ड किस सीक्वेंस में होना चाहिए इसका मैं एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, इसके अलावा इस सीक्वेंस में और कुछ इसमें न्यूमेरिक रहेंगे, इन सब के सीक्वेंस में। दोबारा मैं इंटर कर देता हूं। तो ये देखिए दोबारा इंटर करके जब मैं सबमिट करता हूं तो देखिए इस बार हमारा ये पासवर्ड जो है कंफर्म सक्सेसफुल हो जाना चाहिए और जनरेट हो जाएगा। तो ये देखिए कह रहा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने पीएफ अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।